जो हर साथियों, इस वीडियो में मैं झारखंड का जो अनारक्षित सीट है लोकसभा का, उसमें आदिवासी वोटरों की स्थिति क्या है, उस पर इसमें प्रकाश डालने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए पहले ऊपर से चलते हैं, पहला गोड्डा सीट को देखते हैं। गोड्डा संसदीय क्षेत्र देवघर और दुमका जिलों के कुछ भागों और संपूर्ण गोड्डा जिला को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 49.22% है और यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 12.9% है, तो SC वोटर 11.1%, मुस्लिम 21.1% और महतो वोट 4.4%। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों जारमुंडी, मधुपुर, देवघर, पोड़ियाहाट, गोड्डा और महागमा सभी सीटों में लीड लिया और कुल 53.4% वोट हासिल कर जीत हासिल किया, तो JVM ने कुल 37.9% वोट हासिल किया। अब दोनों पार्टी एक हो गए हैं, जबकि उसी साल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने देवघर और गोड्डा में, तो JVM ने पोड़ियाहाट में लीड लिया और JMM ने मधुपुर और कांग्रेस ने जरमुंडी और महागामा में लीड लिया। यानी NDA और इंडिया गठबंधन तीन तीन सीटों पर लीड ले सकते हैं वहाँ, यानी कांटे की टक्कर हो सकती है। 12.9% आदिवासी वोटर टक्कर की स्थिति में आदिवासी ही जीत की लकीर खींच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चूँकि टक्कर का स्थिति है तो ये सीट BJP गठबंधन के लिए अनुकूल है। दूसरा सीट चतरा है। चतरा संसदीय क्षेत्र पलामू जिला के कुछ भागों और संपूर्ण चतरा और लातेहार जिला को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 49.43% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 19.5 है, तो SC वोटर 28.2%, मुस्लिम 13.5%, तो महतो 4.1% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चतरा संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों सिमरिया, चतरा, मानिका, लातेहार और पांकी सभी सीटों में लीड लिया और उन्होंने 57% वोट हासिल किया और वहां जीता, तो कांग्रेस को मात्र 16.2% ही वोट मिला। जबकि उसी साल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सिमरिया और पांकी में तो लीड लिया, लेकिन कांग्रेस ने मानिका में और JMM ने लातेहार में और RJD ने चतरा में लीड लिया। यानी कि NDA 2 विधानसभा तो इंडिया गठबंधन ने 3 सीटों पर लीड लिया। इस तरह से देखा जाए तो 19.5% आदिवासी वोटर यहां काफ़ी महत्वपूर्ण है और उनके बिना कोई इस क्षेत्र में नहीं जीत पाएगा। यहां भी विधानसभा चुनाव के परफॉर्मेंस के आधार पर JMM गठबंधन को लाभ है। तीसरा अनारक्षित सीट है कोडरमा। कोडरमा संसदीय क्षेत्र गिरिडीह और हजारीबाग जिला के कुछ भागों और संपूर्ण कोडरमा जिला को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 52.99% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या सिर्फ 5.9% है, तो SC वोटर 14.1%, तो मुस्लिम 20.4% और महतो वोट 11% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कोडरमा संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों जैसे कि कोडरमा, बारकट्टा, धनवार, बगोदर, जमुआ और गांडे सभी सीटों में लीड लिया और 62.2% वोट हासिल करके जीत हासिल किया था, जबकि JBM को मात्र 24.6% ही वोट मिला। जबकि उसी साल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कोडरमा और जमुआ में तो लीड लिया, तो JVM ने धनवार में, जबकि JMM ने गांडे में, CPIML ने बगोदर में और एक निर्दलीय ने बारकट्टा में लीड लिया। यानी NDA गठबंधन 3 और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर लीड लिया। 5.9% ही इस क्षेत्र में आदिवासी वोटर हैं और वोटिंग पैटर्न को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने की स्थिति में भी नहीं है। यह क्षेत्र भाजपा गठबंधन के लिए अनुकूल है। चौथी सीट जो अनारक्षित है वो गिरिडीह है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिला के कुछ भाग को मिलाकर
बना है। यहाँ की साक्षरता दर 59.06% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या सिर्फ 15.3% है, तो एससी वोटर 11.3%, मुस्लिम 17%, तो मातो 15% है। 2019 की लोकसभा चुनाव में आजसू ने गिरिडीह संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों गिरिडीह, डुमरिया, गोमिया, बेरमो, टुंडी और भागमारा सभी सीटों में लीड लिया और कुल 58.6% वोट हासिल कर जीत हासिल किया। जेएमएम को मात्र 36.1% ही वोट मिला, जबकि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सिर्फ एक विधानसभा भागमारा में, आजसू ने गोमिया में लीड लिया, तो कांग्रेस ने बेरमो में और जेएमएम ने गिरिडीह, डुमरी और टुंडी में लीड लिया। यानी एनडीए गठबंधन 2 और इंडिया गठबंधन 4 सीटों पर लीड में रहा। 15.3% आदिवासी वोटर यहाँ के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की स्थिति में है। यह क्षेत्र जेएमएम गठबंधन में जेएमएम के लिए अनुकूल है। ये जो भी पैटर्न मैं बता रहा हूँ, ये जो वोटिंग डला है लोकसभा और विधानसभा के दौरान, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत इसमें कोई टेक नहीं है। पांचवा अनारक्षित सीट है धनबाद। धनबाद संसदीय क्षेत्र धनबाद और बोकारो जिला के कुछ भाग को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 63.35% है और यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 14.1% है, तो एससी वोटर 8.8% और मुस्लिम 15.9% है और महतो वोट 8.2%। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने धनबाद संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों बोकारो, चंदन क्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद और झरिया सभी सीटों में लीड लिया और 66% वोट लेकर जीत हासिल किया। कांग्रेस को मात्र 27.2% ही वोट मिला, जबकि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 5 विधानसभा बोकारो, चंदन क्यारी, सिंदरी, निरसा, धनबाद इन सब में लीड लिया और कांग्रेस को झरिया में लीड मिला। यानी एनडीए गठबंधन 5 और इंडिया गठबंधन को एक सीट पर लीड मिला। 14.1% आदिवासी वोटर हैं यहाँ के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की स्थिति में तो हैं, लेकिन किसी और के सपोर्ट से ही ऐसा कर पाएंगे। यह क्षेत्र भाजपा के लिए अनुकूल है। छठवीं अनारक्षित सीट है रांची। रांची संसदीय क्षेत्र रांची और सरायकेला खरसवां जिला के कुछ भाग को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 64.2% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 28.9% है। ये तो मान के चलिए कि इतने इतना परसेंटेज अगर आदिवासियों की है तो ये तो आरक्षित होना चाहिए। खैर, तो 28.9% आदिवासी वोटर हैं, तो एससी वोटर 5.4% और मुस्लिम 15.1% और महतो 12%। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रांची संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों ईचागढ़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया और कांके सभी सीटों में लीड लिया और कुल 57.2% वोट लेकर जीत हासिल किया। तो कांग्रेस को 34.3% ही वोट मिला, जबकि उसी साल जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें भाजपा ने 3 विधानसभा रांची, हटिया और कांके में, तो आजसू ने सिल्ली में और कांग्रेस ने खिजरी में और जेएमएम ने ईचागढ़ में लीड लिया। यानी एनडीए 4 और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर लीड में रहा। 28.9% आदिवासी वोटर हैं यहाँ के वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने की मजबूत स्थिति में है, लेकिन उसके बावजूद भी यह क्षेत्र भाजपा के लिए ही अनुकूल लग रहा है। सातवीं सीट जमशेदपुर है। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र संपूर्ण पूर्वी सिंहभूम जिला से बना है। यहाँ की साक्षरता दर 65.73% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 26.8% है, तो एससी वोटर 9.6%, मुस्लिम 11.7%, तो महतो 5.3% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी सभी सीटों में लीड लिया और 59.4% वोट लेकर जीत हासिल किया। जेएमएम को 33% ही वोट मिला, जबकि उसी साल हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा किसी भी विधानसभा को जीतने में नाकाम रहा। यहां तक कि मुख्यमंत्री रघुवर दास भी निर्दलीय सरयू राय से चुनाव हार गए। तो वहीं कांग्रेस ने जमशेदपुर पश्चिम में और जेएमएम ने बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका और जुगसलाई में लीड लिया। यानी एनडीए 0 और इंडिया गठबंधन 5 सीटों पर लीड में रहा। 26.8% आदिवासी वोटर हैं वहाँ। यहाँ के वोटिंग पैटर्न को
मजबूती से वो प्रभावित करते हैं। इन्हीं आदिवासी वोटरों के कारण ही पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस समय यह क्षेत्र जेएमएम के लिए अनुकूल है। आठवीं सीट पलामू है। पलामू संसदीय क्षेत्र पलामू जिला के कुछ भाग और संपूर्ण गढ़वा जिला को मिलाकर बना है। यह एससी सीट है। यहाँ की साक्षरता दर 51.68% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या 11.9% है, तो एससी वोटर 25.9%, मुस्लिम 14.7% और महतो वोट 2.5% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पलामू संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर सभी सीटों में लीड लिया और कुल 62.4% वोट लेकर जीत हासिल किया। तो आरजेडी को 22.9% ही वोट मिला, जबकि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 4 विधानसभा डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर और भवनाथपुर में, तो कांग्रेस ने हुसैनाबाद में और जेएमएम ने गढ़वा में लीड लिया। यानी एनडीए 4 और इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर लीड में रहा। यहाँ 11.9% आदिवासी वोटर हैं। एससी एसटी और मुसलमान गोलबंद हों तो समीकरण पलट सकते हैं। यह क्षेत्र भाजपा के लिए ही अनुकूल है। नवीं सीट हजारीबाग है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र हजारीबाग जिला के कुछ भाग और संपूर्ण रामगढ़ जिला को मिलाकर बना है। यहाँ की साक्षरता दर 60.19% है। यहाँ आदिवासी वोटरों की संख्या सिर्फ 12.8% है, तो एससी वोटर 15.3%, मुस्लिम 18%, तो महतो 15.3% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पलामू संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्रों बरही, बड़कागांव, रामगढ़, मंडू और हजारीबाग सभी सीटों में लीड लिया और कुल 67.4% वोट लेकर जीत हासिल किया और कांग्रेस को 23.1% ही वोट मिला। जबकि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 2 विधानसभा मंडू और हजारीबाग में तो लीड लिया, लेकिन कांग्रेस ने बरही, बड़कागांव और रामगढ़ में लीड लिया। यानी एनडीए 2 और इंडिया गठबंधन 3 सीटों पर लीड में रहा। यहाँ 12.8% आदिवासी वोटर प्रभाव डालने की स्थिति में हैं। स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित किया जाए तो यह क्षेत्र कांग्रेस के लिए ही अनुकूल है। इस तरह से झारखंड में जेएमएम गठबंधन हजारीबाग, जमशेदपुर, गिरिडीह, चतरा, राजमहल, दुमका, लोहरदगा, खूंटी और सिंहभूम सहित 9 लोकसभा सीटों में जीत सकने की स्थिति में है, तो भाजपा पलामू, रांची, धनबाद, कोडरमा और गोड्डा सहित 5 सीटों में जीतने की स्थिति में है। गठबंधन धर्म का पालन और स्थानीय मुद्दों को उठाकर ही उपरोक्त ध्रुवीकरण संभव प्रतीत होता है, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे झारखंड को शायद ही इस बार प्रभावित करें। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का जादू चलने के कारण भाजपा के पक्ष में रिजल्ट आया, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो लोगों ने भाजपा को सिरे से खारिज कर दिया। और यदि जेएमएम गठबंधन विधानसभा चुनाव के नतीजों को बरकरार रखने में कामयाब होती है तो 14 में से कम 9 सीटें आ सकती है, लेकिन गठबंधन में किसी भी तरह के दरार की स्थिति में भाजपा रिजल्ट पलट सकती है। राज्य के आदिवासियों का रुझान झारखंड का पूरा परिदृश्य बदल सकता है। जैसा कि प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में आदिवासी वोटरों की संख्या को आपने देखा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे दूसरे राज्यों की तरफ हम बढ़ेंगे। सबों को धन्यवाद। जोहार।